बॉलीवुड इंडस्ट्री और ड्रग्स का कनेक्शन काफी पुराना है। अब तक इस मामले में कई स्टार्स फंस चुके हैं, जिसमें दीपिका पादुकोण, रकुल प्रीत सिंह और सारा अली खान जैसी अभिनेत्रियां शामिल है। वहीं अब इस मामले में बॉलीवुड के किंग खान यानी शाहरुख खान के बड़े बेटे आर्यन भी फंस चुके हैं। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने मुंबई से गोवा जा रहे एक जहाज में चल रही रेव पार्टी पर छापेमारी की, जिसमें आर्यन खान का नाम भी सामने आया है। एनसीबी की टीम आर्यन से पूछताछ कर रही है। ऐसे में अब माना जा रहा है कि शाहरुख खान के लाडले इस मामले में लंबा फंस सकते हैं। हालांकि आज आर्यन अपनी रेव पार्टी की वजह से चर्चाओं में बने हुए हैं, लेकिन एक समय ऐसा था जब उनके संस्कारों की लंबी चौड़ी बातें होती थी। खुद शाहरुख खान अपने इंटरव्यू में अपने लाडले बेटे के संस्कारों की बात करते नजर आ चुके हैं। एक इंटरव्यू में शाहरुख खान ने खुलासा किया था कि उनके बेटे आर्यन को घर में शर्टलेस घूमने तक की इजाजत नहीं है। शाहरुख खान बॉलीवुड इंडस्ट्री में एक फैमिली मैन की तरह जाने जाते हैं। शाहरुख खान ने साल 2017 में फेमिना को एक इंटरव्यू दिया था, जिसमें एक्टर ने बताया था कि वो महिलाओं की बहुत इज्जत करते हैं और उन्होंने अपने बेटे आर्यन को भी महिलाओं की इज्जत करना सिखाया है। इसी वजह से उन्होंने आर्यन को कभी भी घर में शर्टलेस होकर घूमने की मंजूरी नहीं दी है। शाहरुख ने कहा था, मैं इस बात में यकीन करता हूं कि किसी भी आदमी को अपने घर में माँ बहन या दोस्त के सामने शर्टलेस घूमने का हक नहीं है। मैं आर्यन को हमेशा पूरे समय टी शर्ट पहनने के लिए कहता हूँ। इसके अलावा शाहरुख खान ने कहा था, अगर आपको अपनी बेटी माँ बहन या किसी भी महिला दोस्त को बिना कपड़ों के देखना अजीब लग सकता है, तो आप उनसे कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि वो आपको शर्टलेस घूमते हुए स्वीकार करें। कुछ भी ऐसा नहीं है जो एक लड़की नहीं कर सकती है।